啊？सुनने वालों, आज 7 तारीख है, 7 सितंबर कहिए, और हम यहां से हर एक सुनने वालों को आदाब अर्ज कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले जनता, आप शायद सुने होंगे, जब सीएलओ सरकार से ऑन द हैंडल की सीएलओ सरकार से जब ऑन द हैंडल की अमतनार लोग को बोझा बोझा पैसा वादा दे दिया है सीएलओ और सरकार। भाई बहनों, इसी झटका में पार्लियामेंटारियर भी 15,000 से 22,000 पहुंच गया। यानी जैसे तू समुद्र में गए ले झींगा पकड़े न काका, बस झींगा के साथ साथ कुबी भी आ गया, कुबी वो के किस्मत खुल गया। तो ये जो असेंबली लीडर है, वो बैठे बैठे वो लोग ने मुस्कुराने लगा कि भैया बगैर कुछ करे हम लोग 15,000 से 22,000। तब जनता अपना आवाज को उठाया कि ये कैसे हो सकता, ये कैसे। फिर यहां पे पार्लियामेंटारियंस फ्रॉम द हेयर फ्रेश थ्री फ्रॉम द हेयर फॉर्मिंग पार्टी, प्यारे प्यारे लोग, पार्टी फोर से चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इस वक्त ये दो ये सब मिल करके एक वेट तैयार कर रहा है। वो वेट से अगर ये वेट असेंबली में यानी दाखिल की गई और वो पास हो गई, तो एक का मतलब ये है कि असेंबली लीडर यानी फरहूखें जो अमतनार को मिल रहा है, ये लोग को वो फरहूखें नहीं मिलेगा। ये वेट फिर यहां पे शुरुआत की है बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। भाई बहनों, एक वेट जो बनता है, तो जब ये पार्लियामेंट में उनको दाखिल करेंगे आप, एंडिंग करेंगे, तो पार्लियामेंट में मेजर हेड होना चाहिए, यानी मेजर हेड ये वेट को खुद क्योर करवाने के लिए। ये तो फ्रेशन हेयर फॉर्मिंग पार्टी ये वेट को तैयार कर रही है, एक नया वेट होना चाहिए। उस वेट के मतलब ये है कि जब अमतनार के सलारस बढ़ेगा, तो इसमें मिनिस्टर और असेंबली के सलारस नहीं, वो लोग शादी स्थल कहते हैं। जब तक ये वेट न बदलेगा, तो अमतनार के साथ साथ सरनाम भर के लोगों की तनख्वाह बढ़ेगा। तो ये वेट को चाहिए 1 महीना के अंदर में बना करके, एंडिंग करके, और उनको बहाल कर दिया जाए और खुद क्योर कर दी जाए, ताकि असेंबली के पैसा ना बढ़े, मिनिस्टर के पैसा ना बढ़े, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो अभी फिर यहां पे के पार्लियामेंटारियन से विचार की है, और यहां पे के पार्लियामेंटारियन मेंडर हेट में है, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजर हेट होना चाहिए। तो ये वेट फोर्स इस वक्त तैयार हो रहा है, अब तैयार हो रहा है, उसके बारे में पार्टी खुद क्योर करेगा, फिर उसके बारे में एन दिन होगा, फिर एन दिन के बाद पार्लियामेंट बहांदल करेगा। तो ऐसे बहांदल जब होकर के पास होगा, अब कौन तक की जाएगी, तो कम से कम 4-5 बरिस लग जाएगा। लेकिन फिर यहां पे सोच रहा है कि ये वेट को जल्दी जल्दी बहाल करके, ताकि सरकार को पैसा सभी को सेंट्रल क्लास के तरह सबके पैसा ना बांटे, क्योंकि अमतनार के मिल रहा है तो मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट को भी मिलना चाहिए ना। तो ये बात रहा, यानी कि ये सब एक वेट तैयार कर रहा है। ए भैया, मार्टिन लूथर किंग वे में लगा धक्का, कल एक मोटर गाड़ी, एक ब्रोफिचर इधर गिरा और गाड़ी गंदाल में घुस गया, दोनों को चोट लगा और दोनों को एम्बुलेंस के जरिए उठा करके स्पूत ऐसा को पहुंचाया गया। तो अपता न है बप्पा कि किसने है इसे चलाया है और के कसूरवार है, तो सिपाही ये बात उनसे करेगा। ए भैया, सूरीनाम के झंडा
Het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs, SMO. De Janet Chinua Kisarkar zijn naam ja. Republiek China Kisarkar. Al je Sarkar, waar je bij nu? Sanko Janet heeft een splinternieuw laptop lekker gekregen. Naya laptops Chinua ke sarkar aur sabse pehle ja kar ke the first lady Ingrid Bouters se Waldring ke hawale ki the first lady Ingrid Bouters se Waldring 20 go splinter new laptops ye Schakel Instituut Middelbaar Onderwijs ko ja kar ke daan di hai. Dan ko dan diya hai Denise Jalis directeur jo hai unke haath mein hamare Suriname ke janta ye 20 go tha 20 go kahiye ye ICT less dene ke liye ICT less dene ke liye us school mein 20 go naya laptops the first lady Ingrid Bouters en Waldring ja karke daan ke roop mein diya, jo Republic China laya hai special the first lady ke liye. Hey kaka, kal sabere ke baat hai, kal subha ke baat hai, jab Middelbaar Onderwijs SMO ke log waha pahunch raha hai klas mein, ta dekhe chor sab jhaar bahar karke, सब सामान उठा लिया गया है जिसमें भी 20 स्प्लिंटर न्यू लैपटॉप्स जो चिनवा द फर्स्ट लेडी इंग्रिड बाउटर्स वाल्डरिंग को दी थी यानी दान के रूप में एसएमओ स्कूल के लिए सब के झार बहार करके चोर उठा ले गया चोर उठा ले चोरवन कुछ नहीं छोड़ ले सब झाड़ बहार करके ए मौसी तो का हो है जो ये जिसवा तो के हम का बताई बोले जब चोरी भईल है तो वख्तर वहां नहीं थी अब और गजब चोरी भईल है तो वख्तर वहां पर नहीं थी सब चोरवन झाड़ बहार करके कांतोर के सब सामान उठा ले गया है डिफन मार्क एंड स्प्लेंडर न्यू लैपटॉप्स एसएमओ ब्रेट भला बताइए इस देश में का होई भैया के मन करे काम करे के वाक्तर है या वाक्तर ना है देखो चोरी हो गया सामान है चिनवा ला करके यहां दान दी थी दान और देखो का कर ले चोर सब झार बहार को उठा ले गया ए भैया फालिस ने Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten als voorzitter Wilco Fallis 24 september ko sabhi ko pukar kar raha hai Fallis Leerkrachten ko pukar karta hai Wilco Fallis 24 september abhi vakansi hai aur vakansi ke liye इन सभी लेरक्राफ्टन को पुकार करता है कि आओ क्योंकि मिनिस्टर लिलियन फेरिये मांग पूरी नहीं की है अरे गजब के बात है काका गजब के बात है बोले 20 तारीख को लिलियन से बातचीत हुई 20 को होशस को फिर से लिलियन से बातचीत हुई लिलियन ने वादा दिया कि मैं 23 का De herwaardering van leerkrachten. Je sab paisa aap log ke rekening par stort ho jayega. Wilco Fallis bole thenga. Thenga ek phuti kauri hum log ke rekening par stort nahi hai. Isliye Fallis bole aao 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 leerkrachten. Kyunki wo maidan mein utarna chahta hai. Aur minister Lilian Ferrier se muqabla karega. क्योंकि फालिस कहते हैं कि अंडरवेस मिनिस्टर लिलियन फेरिये हैव वेयर नीट गोहोल्डन एन अस्प्राकन बोले हम लोग को चाहिए
25% de overheid ambtenaren ko diya hai, bole hum log to bhi milna chahiye. To dekh bhaiya, CLO ke ek jhatka ke karan se leerkrachten ko aur paisa chahiye, assembly leaders ko paisa chahiye, minister ko chahiye. Pyare log, ab pata nahi hai kya kya ab hone wala hai. भैया का बात है तो हम इतना बात बता दिला कि एक व्यक्ति जो तैयार है, हमारा देश का प्रेसिडेंट कहते हैं कि एक ये नया व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति इन द प्लांट ए ये मुझ दी रेस्पेक्टेरन द व्यक्ति मुतखवेजत वर्दन फॉर अनपासिंगन एंड नेक्स्ट अंडर्स. प्यारे प्यारे लोग, सुरीनाम के जनता, वेलको फालीस बड्रेश टाइडेंस वकांसी. अब देखो का होत है बप्पा, चारों तरफ से ही चातानी. एक सुरीनामर के नाम लिया गया है. प्यारे प्यारे लोग, ब्राजीलियन से पुलिसी मरीना के साथ मिलकर के सोमवार के रात्रि को एक जहाज को बसराख में लिया, जिस जहाज में 600 किलोग्राम कोकाइन एक ऐलान पर मायारो, उस ऐलान के नाम है ब्राजीलिया में. ये ड्रग्स ये बोट में था, दोस खेपन में, और ये सुरीनाम से वहां पहुंचा है क्योंकि एक सुरीनामर उसमें भी गिरफ्तार हुआ है. और जो यूरोपेस मार्क सो डेट अलखो 36.2 मिलियन अमेरिकांस डॉलर अपलीवर. भैया हम तो के बताएला काका, ऐसे ऐसे जो आज दुनिया में इंसान धनी है, जो देशों में इंसान धनी है, जाकेट पहन के घूमते रहते हैं, ऐसे थोड़ो कोई कमा करके बकवा बेच करके, भिंडी बेच करके, कुशबांती बेच करके है? मल्टी मिलियनेयर तो ना हो सके कभी. मल्टी मिलियनेयर कभी ऐसे ना हो सके. सुन लो कोई भिंडी बेच करके भर काकी, सुन लो कोई टमाटी बेच करके मिलियनेयर भैया. नहीं काका, नहीं. जस होम द किलो कोकाइन और एक वार्ड है सेशन डेर तक 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर है. फिर पैसों आंखो होडन, एक सुरीनामर भी उसमें है. भाई बहनों, सुरीनाम की तमाम जनता, हर एक एक बोट में एक परते भी 1500 किलोग्राम फोरख वे बसलाख में लिया गया. एक फान द आंखोहोदन फरदाख्त अफकोमस्तक इस एक सुरीनाम, वो भी सुरीनाम बहुत गड़बड़ है. सुरीनाम कानून दे ग्रोस्ट ड्रग्स फांग इन ब्राजीलिया. तो देखो कौन कौन तमाशा हुए हैं. एक काकी शायद तो लोग अखबार पढ़े होंगे. वो तो ठीक बात है, हमसे पहले तो ही लोग पढ़ लेते. हम तो शाम के आते अखबार लेकर के, तब यहां पढ़ते बैठ करके ना. लेकिन आप तो हमसे पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन एक आर्टिकल अभी मैंने जो पढ़ रहे थे काका, तो हम भागने की कोशिश किया. हम खोजे झलासी, कहीं झलासी उलासी हो जी, तो हम पीछे लुका जाए थी. अब सोची झलासी, अब वो कह पीछे हम जाकर लुका जाए थी. हम तो उसे बताई ना. सुनिए तमाशा, एक तमाशा सुनिए. Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, ik onderzoek ja Suriname. Heeft Suriname een van de meest luie bevolkingen ter wereld? Ik heb toch geen kaal bedacht. काकी तो सुन ले, वेरोगेशन थे इस ऑर्गेनाइजेशन वे हाँ ओ बोले सुरीनाम
Suriname is één van de meest luie bevolkingen ter wereld. Let's get Havana Deskilo. Am te kekabatai, bhaiya. Suriname heeft één van de meest luie bevolkingen in de wereld. Weet het lijstbaar. Suriname 1, luie mensen. Is het hem, kaki? Om kan die jalaasig heli koden, lukai kakin. Om koi कोई जलासी भलासी मिला अब वही के पीछे लुका जाई थी भैया कोई जलासी भलासी न बप्पा तो हम आकर के यहां पर ये आर्टिकल पर किसी को सुनाएगा काका है? भला बताइए दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है वेयर ऑफ खजोन टेस ऑर्गेनाइजेशन भैया ओ बोले श्री नाम में वो अंध सुख करवाया है और अंध सुख करवाया है भैया तो पता चला कि सबसे लश्कट जनता सुरीनाम में है और सुनिए का बात और द दोस्त ने इस सुरीनाम से बर्खर किस एर लीफर फॉर अम नार द टेलीविजन तो से तो कैक डन वाट उफ नहीं तो दोन हम हमेशा आपसे कहिला काका तू जाने हम वो इतनी आप बॉडी इन मोशन करते रहो ट्रेमन करते रहो है? क्योंकि सुरीनाम में औरतें का भारी भारी पेट लटक गई है यही औरत के देखो लंबा लंबा पेट है कौन जरूरी है, है? और कढ़ियाओं देखो लटक लटक गई से गाल लटक लटक गई से अगर आप लोग जब तक ये बॉडी इन मोशन नहीं करेंगे आप लोग बीमार रहेंगे आप लोग हमेशा टेलीविजन देखते रहेंगे आप लोग के मुंह फूला फूला रहेगा आप हमेशा गुस्सा गुस्सा में रहेंगे क्योंकि आप लेस कट है टेलीविजन देख देख करके और अपना गुस्सा उही में निकालते रहते हैं भाई बहनों फोकस अ रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड गेजोंटेज ऑर्गेनाइजेशन WHO इन सुरीनाम एन फ्रॉम द मोस्ट लेव बफोल्किंग टर तो हम बताए ये बहुत गंभीर समस्या बप्पा फॉर ऑल द सुनिए हमसे एक काकी अब तो नाराज नहीं हो देख ये बतिया हमने बोली था वेर ऑफ खजोन थे इस ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट सर नामे आकर के उनसे सुख करवाई से अब सुनिए तेरा और जेन के बारे में का कर ली कर सुनिए सुनिए क्या बात है Vooral Surinaamse vrouwen laten het afweten en behoren tot de top 3 van meest achtergestelde mensen ter wereld. Ter wereld. Als het om lichaamsbeweging gaat, denk je kaki, naraaj hem erop patjunen hoeien. Je baat hem nabol na chaatit he. Hem to jalaasie khojat he, lukai khaatit he, ki lukai je bappa. गभाव गड़बड़ आर्टिकल है, है बोले चार देश के बारे में बात कर रहा है बोले कि खाली शर्म लगे बोले कि 168 देश ये लोग बस्तुधर कर रहे हैं लेसवान हो रख बस्तुधर द लंदन इसमें बसखामंद टॉप 3 नंबर 1 सुविधा बस खाम ऑन द टॉप 3 एंड द एस्ट इज लैंड सुरीनाम देखो भाइयों बहनों नाराज हमरे ऊपर न होइयो क्योंकि यहां के मर्द लोग से बात करो तो 30 मार खान के तरह खड़ा हो करके और जवाब देते हैं औरतें भैया नखरा नखरा फूंकने लगता है बाकी सच्चाई तो सच्चाई है जब ये रिपोर्ट लिखा गया वेरल खजों थे और खानसासी सुरीनाम में आकर के और सब उन्हें सुख किया और तब जाकर के देखी कि सुरीनाम लेस अनफोर्डर सुरीनाम लेस अनफोर्डर बहामा बारबेडस ये बाद में आता है, है? बाकी आज हमें ये बात से बहुत दुख हुआ कि न एक मर्तबा
ہزار مرتبہ میں نے کہا اے سورینام کی استریوں، آپ لوگ اپنے زندگی میں نکھلی بیٹھو تیفے کے سامنے، چاہے سرنام کے سرکار بلیچ نہ لکھ پائی سے میڈیا پر، اور ہر ایک بدرے پہ دس دس تلفیسی دے دی سے نشنیا کو نچانے کے لیے اور انیک انیک پرکار کے تماشا دکھانے کے لیے، تو کیا جائے کام کرے تو ہی بچاؤ کھاکی کیا جائے اتنا تلفیسی سرنام میں کہ لوگ بھی نہ جانے کا کرے، تلفیسی لے کر کے لوگ کے سمجھ سے باہر ہو گیا کہ دنیا میں اتنا تلفیسی نہیں جا سورینام میں ہے. اکثر نام بولے بلیت استعمال کری سر نہیں اور یہ سے خفاؤت ان دیتا سٹیڈیم خفاؤت، کہ اگر آپ لوگ سوچے کہ کھلونا ہے، تلفیسی کوئی کھلونا نہیں ہے، میڈیا یہ کوئی کھلونا کی چیز نہیں ہے، اور اگر سرنام میں سب میڈیا نہ بہیر کر پہلے ہے بہت 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 بےزتی پھیل بھائے. کہ آج دیکھو ویرل خزون تھے اور خانی ساسی آ کر کے یہ بات کہہ دیا کہ سورینام ہیز این فاند بیس لہر بفولکنگ ان دا ویرل، ایک دنیا کے سب سے لسکٹ لسکٹ جنتا سرنام میں ہے. ان کے بات سنیو جیسے پہاڑ ٹھیر کر کے آئی سے بات سنیو تو جیسے کہ دنیا کے سب طاقت ہی لوگ کے ہاتھ میں ہے، ان لوگ کو بات سنیو تو جیسے کہ یہی لوگ دنیا میں قانون بنائے ہوئے ہیں. باقی اگر آج ہم لوگ کے دیش میں اخباروں میں دنیا بھر میں چھاپ دیا گیا کہ سب سے لیس کٹ جنتا سردام میں رہے، تو سمجھ جاؤ کہ ہم لوگ کے صورت نہ رہ گئے آگے جائے کے بھائی. اس لیے میں نے جھلاسی کھوج رہے تھے لکانے کے لیے، لیکن جھلاسی نہ ملا تو معاف کر دیا مجھے بھیا لوگ، سمجھے گا. اے کاکا آگے ہم جب دیکھو تھے تو اخبار نے کیا لکھی سر کہ پانچ گو بیسٹ فیئر، فائیو بیسٹ فیئرس آن خیال دکھ کرتا بیچت رہا، دو فر فالس تین کا کوپیئر. اے شفیئر کون سی تلوں کرت ہو، کون سی کرت ہے سرنام میں؟ یہ تو بڑا دکھ کے بات ہے بھیا. جوائس بلاک لینڈ ڈائریکٹر یہ بات ان کے سامنے پہنچ گئی ہے. پیارے لوگ اب دیکھیے جب یہ نقلی بنائی گئی ہے فر فالس کیا گیا ہے تو یہ شفیور لوگ کی زندگی خطرے میں ہے. بہت چیز ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ریبویس یا ان لوگوں کا فرفلنگ انٹریک ہو سکتا ہے، یا دیکھو کون سا فیصلہ سرکار لیتے ہیں ان لوگوں کے متعلق. ایرسین آل فیف بیس شفیورز بطرابت اور پھر ریزن میں ان خیلد کا بیس شفیور کارت وغیرہ. تو جانے بھی کچھ دن پہلے کاکا ہم لوگ کے مرتیوارن سے خبر ملا کہ وہاں پر 7 لاشیں پڑے ہیں، وہ ادھر سے ادھر سپاہی اٹھا اٹھا کر کے لایا ہے اور مرتیوارے میں اس کو رکھا ہے اور دھیرے دھیرے برسن ہونے کو جا رہا ہے. کئی مرتبہ بلائے گئی ہے پریوار کو لیکن کوئی ابھی تک آیا نہیں. مرتیوارے میں اس وقت 7 لاشیں موجود ہیں جو پریوار لینے کے لیے آیا نہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کچھ پریوار ایک لیک کو لے جا کر کے دفن کیا، اور پھر بعد میں جب اور پریوار آتے دوسرا لیک لینے کے لیے تو پتا چلا وہ غلطی والا لیک لے جا کر کے دفن کر دیا. جس لاش کو ان کو لے جانا چاہیے تھا وہ غلط لاش لے جا کر کے دفن کر دیا، کیونکہ ہولان سے جب لوگ آیا تو دیکھے کہ ان کا پریوار کے انتیشت کریا ہو چکا ہے. یہ دونوں پریوار بیٹھ کر کے گفتگو کیا اور اپنے آپ میں سمجھ لیا، اور اب جا کے دوسرا لاش غلط پریوار انہیں اٹھا کر کے انہیں لے جا کے دفن کیا ہے.
इंसान के मरने के बाद छितर बितर हो जाते हर एक चीज, इंसान इंसान का सूरत भूल जाते हैं। तो भला बताइए जिंदा में जब इंसान इंसान को कदर नहीं करता तो देखिए मरने पर उनका सूरत भी नहीं पहचान सका। ये बहुत दुख की बात हुआ भाइयों। हमारे देश के जनता होश में आ जाओ, आप जो होश में से बेहोश हो गए हैं, होश में आ जाने से ढेर बात सुधर सकता है। हमारे जनता अकादमी सीखन है इस रविवार रात फान कमिश्नर सन में अकादमी सीखन है इस इंस्टॉल हो चुका है मिनिस्टर एलियास के द्वारा। देखिए ये नया रात में बनोम तब हुआ है अनंत जगेसर, अनंत जगेसर इस तत्फोर्सेटर पद दीवरात और बाकी खबरियल एरिक सबीता देवी गोपाल देई ये सब नया बस्ती बैठाई गई है। हमारे भैया लोग मिनिस्ट्री फॉर स्पोर्ट एंड यूथ शाख में नौजवानों को बुलाया गया था यानी वैकेंसी जॉब करने के लिए। ये वैकेंसी जॉब ये लोग ने शुरुआत कर दिया है, वैकेंसी जॉब ये लोग शुरुआत कर दी है। आज हमारा देश का ऐसा मुसीबत में पड़ल है, तभी सुनिए तमाशा तो भी। एडेट इस मस्टैम फॉर आल क्लेन मेसिस क्लेन दामस मेसिस के ये 312 नेह आक्सीफ सेस कि आप लोग मर्दों के फरफन्ने मत पड़ना। द पुलिची ही फेट या रखमान आंखो हो जन एक 40 साल का आदमी को सिपाही गिरफ्तार कर लिया है, एक 12 साल के बच्ची को वो बलात्कार करना चाह रहा था। सुनिए का बात है काका, एक मां ने अपने 12 साल के बच्ची को बीरफ्रॉ के घर भेजी है क्योंकि बीरफ्रॉ सुखरुंत बेचती है, सुखरुंत तरकारी। ये 12 साल के बच्ची पड़ोसी के पास गई है मैया के हुक्म से सुखरुंत खरीदने के लिए। अब ये हो रही है तो मैया पूछे कि बिटिया कहां है, कितना दूर गई है सुखरुंत खरीदने के लिए। तो क्या देखी से भैया, बट बिटिया डांप से भागते आ रही है हाफत हाफत। एक आदमी शराब पी करके ये लड़की को सड़क पर देख लिया, उन्हें 2 पैकेट कुक एक फ्लैश सॉफ्ट ड्रिंक बच्ची को दे करके अपने घर में ले गया। उसी आसपास में वो आदमी भी रहते ही बच्ची को ले गया, होगा कपड़ा पर उतार करके बच्ची को और चुम्मा उम्मा ले रहा था। लेकिन जब अचानक खड़ा होकर के ये आदमी अपना कपड़ा उतारने लगा, बस लड़कियां वहां से भगा उठ करके और भागते भागते गांव पर। अब आप समझ गए कि कितना बात है। द मदर ट्रफ हर डॉक्टर रैनन ऑफ स्ट्रात आन, तो बिटिया बताई इसके ये अदमिया घरवा में और कौनसी कौनसी सिपाही को तार किया, सिपाही पहुंचा तो ये फरदख्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, फरदख्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो अब क्या बात हो रहा है, अपने बेटियां से तनी बात करो, 12 बरिस के 13 बरिस के 14 बरिस के लड़कियन, ये मर्दों लोग अब 40 बरस का एक आदमी इस बच्ची को भरमा करके अपने घरे ले गई है। इस बच्ची का जिंदगी तबाह हो सकती थी, समझे ना। हमारे जनता सूरीनाम के तमाम लोग 5 एलखाल फेसर्स इनों को गिरफ्तार किया गया है क्वारंटाइन रिफ्यूर के मोंडिंग पर दो एन एजन फॉर नेशनल लेकर 8 फेर तक 2000 डार इनों को भरना पड़ा है।
कि ये लोग बगैर टूस्टैमिंग बगैर इजाजत से ये सूरीनाम के मोंदे पर आकर के निकेरी के मोंदे पर मछलियां पकड़ी थे। मैं आपसे कहूंगा एक बोट एंड वेटन बोट मोटर सेस्टक पी का फेस नेटन फट बेंजीना ट्वे फेफन सेफन तक किलोग्राम तरह तरह के मछलियां आठन सेफन कांद्रा टीकी ये सब बसलाख में ले लिया गया। एलरिक चेलिप्सी जो निकेरी में इस वक्त इनके हाथ में बागडोर है निकेरी के, तो ये लोग को डांड लगा और बोट बसलाख में ले लिया गया है। एक 67 साल के औरत गटई में केटी खूब लाद करके और ये शहर में आफिजाबा स्ट्राट निर्दोमनी स्ट्राट की तरफ जा रही है। वही कोनवे पर दो डाकू एक ब्रो ऑफिस पर जा रहे थे बैठ करके, बस ब्रो ऑफिस रोक करके एंड जा करके दोनों बस ये औरत के केटी पकड़ करके खींच लिया और खींचने के बाद वो लोग ने भाग गया। इसका वार्द है 1.500 यूरो। अब इतना मंगा की थी 67 साल के औरत के ये डाकू लोग छीन करके वहां से भाग गए हैं भैया है? तो बड़ा बताओ ना, ये सब तमाशा, ये सब चोर, बहुत चोर हो गए देश में बाप है? हमें पता चला फिर यहां पे मैं जब पीपल कंपनी का शुरुआत करने जा रहा है फ्रस्ट्रेशन द हेल्थ फॉर्मिंग पार्टी इन फीर डिस्ट्रिक्ट, सभापति चंद्रिका प्रसाद संतोखी उनका कहना कि अब वो निकेरी पमवैन सरमक्का वानिका ये लोग घर घर जाकर के जनता से मुलाकात करेंगे, जनता से शेक हैंड करेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे, उनका दुख सुख सुन करके ये लोग ने मदद करने के तैयार रहेगा। फिर यहां पे मीट द पीपल ऑल इन फी डिस्ट्रिक्ट। ए जनता भाइयों बहनों, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता एफिता स्ट्राट में डाकू लोग ने घुस करके और वहां पर चोरी किया है। एक टस जिसमें एरो रहा $2,500 अमेरिकन डॉलर घर में घुस करके और ये लोग ने भाग निकला है। ए काका क्या हम बताइला, पुलिसी मोर्ड फरदाख्त के तलाश में है 55 साल का जॉन हेंड्रिकस ब्रिक्सलाकर आलियास नो मर्सी जो एक गयानीस का खून किया है। एन रखिया रख गया नीस जेम्स जुएल को सोमवार 20 अगस्त को उनका हत्या करने के भाग गया। ब्रिक्सलाकर ये आदमी के नाम है जो उस गयानीस का हत्या की है। तो आप समझ गए काका है, आप समझ गए हैं, तो आप लोग इस आदमी के तलाश करवाओ। एक समस्या सुनो, लंगा तभी की स्त्रात जहां एक कार वॉश है, कार वॉश एक आदमी खड़े होकर के अपना गाड़ी सर्विस करवा रहा है। अचानक एक फिक्स गाड़ी आकर के और रुकता है, उसमें से दो आदमी निकलते हैं बाहर, बोले ये गाड़ी जो वहां पर इस वक्त लंगा तभी की स्त्रात कार वॉश में धुलवा रहा है उसका एक अनार के है, बोले हम हैं, बोले आओ हम लोग सिपाही है ली। बस वो आदमी को ऑटो में बैठा करके और वहां से निकल चला। इतना भूचर आदमी, वो बोला सिपाही है उनको लेने के लिए आया। थोड़ा दूर तक पहुंचा हेंड्रिक स्ट्राट तो गाड़ी रुका, उनका ताश छीन लिया जिसमें 400 यूरो 5,000 एसआरडे कुछ सामान और उन्हें ठेल करके बाहर निकाल करके और गाड़ी लेकर के चला गया। ऐसन ऐसन भुच्चर इंसान समझ में ना आए भैया हम कैसे का करी। कल खबर में खबर हुआ
ki ek admis genam Steve. Steve Meyer ke baat hai na? Ki wo ek Joyce Blockland ke bitiya ko hotel mein Holland mein ja kar ke balatkar ki hai. Joyce Blockland aur akhbar ne bhi likhi raha ki ye Joyce Blockland director hai transport openbare werken mein. Bhaiya ye media mein Facebook mein अखबार में कितनी अखबार में ये बात फैलाया गया कि स्टीफ ने उनकी बिटिया को बलात्कार की है होटल में जाकर के. जॉइस ब्लॉकलैंड वेनस्टेन वो है सूरीनाम का ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टर. बोले कि झूठे हमारा नाम ये लोग बदनाम किए हैं. मुझे एक बेटी सूरीनाम में रहती है और जो जॉइस ब्लॉकलैंड के बारे में आप लोग बात करते हैं दूसरा जॉइस ब्लॉकलैंड है, लेकिन लोग जानबूझ करके हमारा नाम के जो उपमार वर्ग का डायरेक्टर होकर बिटिया को बलात्कार की है. बोले ये गलत बात है भाई, ये बहुत झूठ बात है. जॉइस ब्लॉकलैंड जिसका नाम लिया गया कि जो डायरेक्टर है वो ब्लॉकलैंड का बेटी एक ही बेटी जो सूरीनाम में रहती है. और बोले ये झूठ बात है कि हमारा बेटी को कोई बलात्कार नहीं की है. अगर हो स्टीव एक दूसरा ब्लॉकलैंड हो शायद उनका बेटी को, लेकिन मेरा बेटी के नहीं. भाई बहनों तो हम का बताए काका, दो आदमी त्वी फरदाख्तन सिपाही गिरफ्तार किया लातूर के. ये सब एक बच्ची को अनमेंदर यार कम किंच. प्यारे प्यारे लोग, इस बच्ची को उठा करके ले गया ये लोग. जो बच्ची को एक संघतिया ले करके गया बलात्कार करके दूसरा संघति को दे दिया. जय है बतून सेक्स में अलकार का हाथ. भाई मैंने कहा जैसे कि ऐसा लौंडा पहले इस बच्ची का जिंदगी खराब करने के बाद एक दूसरा दोस्त को दे दिया. देश फ्रेंड है ऑफ सेंट विल्फ्रेड मेयर खबर अपना रहा होटल सिपाही बी आर एन एल के को गिरफ्तार किए हैं ट्वी फरदाख्तन. भला बताइए काका, ये लड़की का जिंदगी इतनी मुसीबत में पड़ गए है. रोज सुनो कोई न कोई लड़की का इज्जत लूट रहे हैं नौजवान लोग, इंसान बूढ़े हो या जो हो, लेकिन अभी तक कोई सुधरा नहीं. वानिका के पुलिस एयर रोनी को गिरफ्तार किया है, अपने औरत को मिसहैंडल की है. एक औरत मैदान हरक करता था, ट्रेन एयर हरक कर रही थी. याद भी पहुंचा रोनी एयर, बोले नहीं नहीं यहां हरक करे के जरूरी नहीं है. दोनों में झगड़ा होने लगा. झगड़ा होते होते बस ये आदमिया जो है मर्दवा जो है, मारी से औरतिया के मुंह में वो तमाचा और हरक ले करके उसी औरत को ऐसा जोर से मारी से कि हरक के टीकी टूट करके छितरा गई है. उन्हें चोट लगा, वो जाकर के नालिश की और रोनी एयर गिरफ्तार हो गया है. रोनी गिरफ्तार हो गया है और अब यह औरत बोली यह आदमी हमारे बीच में कभी नहीं आना चाहिए. अब ऐसे भी देखो एक 34 साल का अमरीश यही सिपाही इनको कर गिरफ्तार की है. अपने बहिनिया को मार मारी से, अपने बहिन को, इन दोनों के लड़के ना आपस में लड़ रहे थे, बस अचानक अमरीश अपने बहिन को पीटने लगा. बहिनिया को वो पिटाई पीटीसीआर. पुलिस अमरीश को गिरफ्तार किया, अमरीश यही को ले जा करके बंद की है. भला बताइए, समझ में ना आवे के समझाओ के ना समझाओ. अब सुनो राजेंद्र कुमार का कई सका का
Kali beja tim to se batayla. Rajendra Kumar te 40 saal ka. Ye kal char kwa kwa chori karke ja raha tha. Char kwa kwa. Kabhi suno murgi, kabhi doksa, kabhi kwa kwa. Ye chori karke nikal raha tha, sipahi ko log taar kar diya. Sipahi Rajendra Kumar M ko हेटर दाद लोग कहते गिरफ्तार कर लिया, अब ले जाकर के बंद करी से है। दुआन रिसर्च 3 सितंबर को नोया यही को गिरफ्तार की है पेंगल लुफ्टहाफन पर। यह अपने बदन में मौसी ये औरत हम कैसे बताए चुके हैं, बहुत शर्म लगे है, लेकिन कभी न कभी कुछ बतिया बोल देना चाहिए। ये औरतिया नोया नाम है, ये उस जगह पर घुसेर करके कोकाइन ले जा रही थी कि अगर भगवान ये बात सुनी प्रभु तो नाराज हो जाएगी कि वो कोठरी कोकाइन धरे के ना है। शर्म लगे बखम बोली तो कैसे बोली है? प्रभु ने यही बात कहेंगे कि वो जगह हम न बनाई ली है ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। अब हवाओ आगे न बोल अब काका कि अवरतिया वहां पर घुसेर करके ले जा रही थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है सांदरे पर, समझे ना। अब हम फिर जर्मेन के बारे में बात करूंगा। जर्मेन अपने पार्टनर को वो मार मारत है, वो मार मारत है 13 साल से वो उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब देखो तो पीठ पाठ लगाते हैं। प्यारे प्यारे लोग, अब का बात भई रहा, ये औरत इस आदमी के साथ अब नहीं रहना चाहती है और यही बात से आदमी नाराज हो करके इनका पीट पिटाई करने लगा। अच्छा भाइयों, और ऐसे स्टॉकर्स एफर पर वहां कंट्रोल करते हुए 2 किलोग्राम कोकाइन फ्रेम खाल स्टॉकर्स एफर का सिपाही बसलाख में लिया है, क्योंकि हर एक जो गांजा वगैरह कोक वगैरह लेकर के यानी फौज से पास होना चाहते हैं, सिपाही उन सब चीज बसलाख में ले लेता है। एक बधाई देने के लिए हम जा रहे हैं बापा, वो बच्ची है शरीन रखनी देवी भुजावन, शरीन रखनी देवी भुजावन। ये तो यूनिवर्सिटी तेज ने पढ़ी ना, और यूनिवर्सिटी तेज ने पढ़ी से तो बैचलर ऑफ साइंस इन द इकोनॉमी का डिग्री हासिल की है। इना फॉरेवर क्लास के बाद है मौसी, इना फॉरेवर क्लास के बात है, यूनिवर्सिटी के बात है, समझे ना। बप्पा मैया का नाम है अनंत कुमार भुजावन, सेल्फी भुजावन कर दी। बहिन ख्वानीता श्री गोविंद भुजावन, शिफालो भुजावन, रितेश श्री गोविंद स्वाकर, तिशारा श्री गोविंद और बाकी परिवार यानी आजी विधवा शिव दुलारी भुजावन, सीता राम भुजावन और कार्दी। बच्ची को बड़ी बधाई दिए बप्पा, शरीन रखनी देवी भुजावन यूनिवर्सिटी 23 में पास हुई है। अरे घर स्कूल न कहिए, बड़ा स्कूल और बड़ा बिल लेकर के घर पर आई है। एक आकाश सुनने को बतिया नहीं, इंडिया में इंडिया से हो खरेक्स ऑफ ये होमोसेक्स जो मिनाही था अभी तक इंडिया में, उसको आबाद कर दिया, उसको ऐश्वर्य कर दिया कि अब वो रुकावट नहीं किसी को नहीं। मतलब रक्ष बांग ने कहा
कि जैसे आप लोग चाहो कर सकते हैं, मर्द मर्द से ब्याह करे, औरत औरत से ब्याह करे। प्यारे प्यारे लोग, ये इंडिया में हिजरा लोग तो बहुत ज्यादा है, अब हिजरा हिजरा ब्याह कर सकते हैं और गई गई औरतिया औरतिया ब्याह कर सकते हैं। इसलिए वहां पर इंडिया के रेक्स रेक्स बैंक ये फैसला लिया है। एक अपर रेक्टर के नाम दीपक मिश्रा, ये सब और मल्होत्रा इंदु मल्होत्रा, ये दोनों इसको पास कर दिया कि अब ये सजावार नहीं है कि हिजरा हिजरा बिहा करे, हिजरी हिजरी बिहा करे। अब वो मिनाही नहीं है, अब वो लोग कहते हैं ये समस्या को आजाद कर दिया गया है, आजाद कर दिया गया है, फ्रेश कर दिया गया है। ऐश प्राक हुआ कि अब ये फ्रेश है, अब ये कोई के रुकावट नहीं है, अब होमो होमो ब्याह करे और गे गे ब्याह करे और जैसे जिंदगी बसर कर सके इंडिया में। जब ये इंडिया में ये बात हुआ, एक काकी हम देखी सरनाम में आदमी कूद कूद नाचत है, कोई हमारे देश से, अरे हमारे देश में फ्रे तो रो है, यहां कूद कूद करके नाचने लगा। भैया हमारे मुंह से बाहर ये बात है काका, ये कौन ऐसा चीज होगी इस दुनिया संसार में कि प्रभु इसके बारे में कुछ कर नहीं पाया, इसके मां इसके बारे में प्रभु लोग प्रभु तो बैठ करके सोचते सोचते शायद थक गए होंगे, अब वो देखना नहीं चाहते होंगे क्योंकि ये लोग ने जीत गया प्रभु को, ये लोग ने जीत गया है, एक कानून जो प्रभु ने बनाया ये सब जीत गए हैं। अब देखो कूद फान सरना में लोग लगाया थे, खुशियाली यहां पर आजादी हुआ, नचनिया लोग यहां नाचत रहे, हमारे देश से बाहर मुंह से बाहर। भैया अच्छा से रहियो, हम फिर आप लोग से मुलाकात करेंगे, शुक्रिया।